और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बेशक आप बेन स्टोक्स को तीनों फॉर्मेट पे नंबर वन रखें, आई डोंट माइंड, लेकिन पहले पांच, बल्कि मैं कहता हूं रिजवान तीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या जरूर आएगा। इसको इसी तरह का वो 140 पे बॉल कर रहा है, 140 पे कितने इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं? 140 पे तो हर कोई कर रहा है यार, ऐसे मौसम भाई इंडिया में बॉलिंग। यार ये बॉलर तो नहीं ऑलराउंडर है ना यार, ये बैटिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग इसकी एडिशनल की, और ये बॉल कर नहीं रहा था पिछले साल डेढ़ साल से, ये बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लोग और सही क्वेश्चन कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और अगर तो ये अपनी बॉलिंग करवा ले बीच में ओवर, तो इंडिया का बैलेंस बहुत ही शानदार और जानदार बन जाता है। अगर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है चार पांच मैच जो आप पिछले जीते हुए, तो फिर यही मैच विनर होता है ना भाई जान, और क्या होता है शाहिद अफरीदी भैया। हमारा नंबर वन बैट्समैन, नंबर वन प्लेयर बाबर है, नॉट रिजवान, नॉट रिजवान, नॉट रिजवान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हार्दिक पांड्या बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और उन्हें किस क्राइटेरिया में खिलाया जाता है, क्यों होते हैं वो प्लेइंग 11 में, इस पर भी हमेशा से क्रिटिक्स होते हैं। और हार्दिक पांड्या क्या T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में होंगे, तब जबकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे और ऑप्शन हैं। कल उन्होंने बॉलिंग भी करवाई और बॉलिंग में अपनी टेक्निक्स रिजल्ट भी दिखाए, तो देखेंगे इस पर खास चर्चा T20 वर्ल्ड कप में क्या ऑप्शन है और हैं, और एज कंपेयर टू देम हार्दिक पांड्या कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है बाबर आजम पर, पहले भी उन्होंने कई क्रिटिक्स किए थे और अब फिर से कि क्यों हैं वे मैन ऑफ द सीरीज। IPL में कल डबल हेडर्स थे, हमने राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत देखी और उसके बाद हमने क्या देखा हम बाद में बात करेंगे, पहले रिजवान हैदर और मोहसिन अली साहब की सुनते हैं। रिजवान साहब, वेंकटेश आयर आया तो शोर मच गया, दीपक चार, ठाकुर, सैनी, मतलब मुझे पता है इनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, तो मेरी मेमोरी शॉर्ट नहीं है, आई नो ईच एंड एवरी प्लेयर इंडियन क्रिकेट के, हम काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें पता था। हार्दिक पांड्या, रिजवान हैदर, बहुत अरसे के बाद ऐसा प्लेयर आता है जिसको आप जब चाहे जिस सिचुएशन, मैन फॉर ऑल सीजन जिसे कहते हैं आप, देखो वो अब चौथे नंबर पे आ रहे हैं और आज तो उसने, यकीन करें मुझे बहुत खुश, ये नहीं कि आई एम इज एडमायरर, आई ऑलवेज एडमायर टैलेंट, आप शुभम गिल का देख लें, हमने रवि बिश्नोई देख लें, पंत देख लें, ठाकुर, सैनी, मतलब यू ऑलवेज टॉक वेरी हाईली अबाउट ठाकुर। तो कहने का मकसद यह है रिजवान साहब, ये नहीं है कि मुझे पसंद है हार्दिक पांड्या, मैंने हमेशा दिल खोल के तारीफ की और दिल खोल के इसको क्रिटिसाइज भी किया है जब ये फोकस नहीं होता। रिजवान देखे आज इसने ना सिर्फ, चले बैटिंग तो उसने पहले मैच में भी ऊपर ही की थी, लेकिन आज इसने नए बॉल से बॉल किया है, मतलब दूसरा ओवर और पहले ही ओवर में अपने ये विकेट ले गया और दो रन सिर्फ, और चार ओवरों में 22-23 रन देना और खेल रहे हो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हो, तो रिजवान बहुत बड़े दिल की बात है। और जितनी शानदार असाब को इसने कंट्रोल किया अपने, जिस तरह इसने नर्व्स ऑफ स्टील, जो देखो मैसेज भी मिलता जुलता ही है, जोबनदीप सिंह कह रहे हैं मोहसिन रिजवान भाई क्या हार्दिक वर्ल्ड कप खेलेगा या खेल पाएगा। देखिए जोबनदीप सिंह साहब, ईमानदारी से अगर आप देखें ना, ईमानदारी से without being getting biased and without comparing him with Ben Stokes this and that, Hardik Pandya is number one all rounder of Indian cricket without a shadow of doubt. If he is fit, nobody comes even closer. मैं ऑलराउंडर की बात, हाँ ठीक है, सही है। मैं मतलब लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बेशक आप बेन स्टोक्स को तीनों फॉर्मेट पे नंबर वन रखें, आई डोंट माइंड, लेकिन पहले पांच, बल्कि मैं कहता हूं रिजवान तीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या जरूर आएगा। इसको इसी तरह का वो 140 पे बॉल कर रहा है, 140 पे कितने इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं जो इंडिया से खेल रहे हैं, देखे इतनी अच्छी, इतनी फोकस, इतनी शार्प मूव्स, इतनी क्लेवर फील्ड प्लेसिंग, गेम अवेयरनेस, भाईजन
140 में तो हर कोई कर रहा है यार, ऐसे मोहसिन भाई इंडिया में बॉलिंग। यार ये बॉलर तो नहीं ऑलराउंडर है ना यार, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर की बात आपसे कर रहा हूँ, मैं मेन बॉलर की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं यार ऑलराउंडर में बार बार एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर। ऑब्वियसली अब बुमराह, शामी, सिराज, उमेश यादव, अवैश खान नाम लेते चले जाए, ऑब्वियसली वो इतने पे बॉलिंग कर रहे हैं, पर वो बॉलर है, दे आर नॉट ऑलराउंडर्स। ये ऑलराउंडर है भाई जान, आप इसको ये भी, और ये बैटिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग इसकी एडिशनल की, और ये बॉल कर नहीं रहा था पिछले साल डेढ़ साल से, ये बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लोग, और सही क्वेश्चन कर रहे थे, मैं नहीं कहता लोग गलत थे, पर भाईजान देखें दूसरा ओवर करता है ऑलराउंडर भाईजान, कप्तान भी खुद हो, टोटल 171 बोर्ड पे लगाओ, सामने बैटिंग ऑर्डर पावल जैसे, पंत जैसे जिनके पास बैट्समैन हो, और इवन अक्षर पटेल भी नहीं छोड़ता, तो रिजवान साहब आपको मानना पड़ेगा कि बड़ी बोल्ड, ब्रेव, बड़ा दिल दिखाया, और देखें एंड तक दिल्ली कैपिटल्स मैच में था, अगर वो विकेट ना गिरती तो भाईजान वो भी यादव भी अगर रन आउट ना हो जाता तो आप देखें मैच ये ले गए थे, दे वर वेरी कंफर्टेबल, और 171 चेजिंग। देखें ये मिथ टूट गई आज, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, और अगर तो ये अपनी बॉलिंग इस करवा ले बीच में ओवर, तो इंडिया का बैलेंस बहुत ही शानदार और जानदार बन जाता है। ये हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करवा ले तो फिर बड़ा बेहतरीन किस्म का इनका बैलेंस बनता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर बैट्समैन भी डाल सकते हैं और काफी और भी ऑप्शंस खुल के आ सकते हैं सामने। तीन प्लेयर ले रहा हूं नाम, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और ऋषभ पंत, ये तीन नाम याद रखिएगा, और जो हमारे दोस्त क्रिकेट की सी से भी पैदल है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, आई डोंट माइंड, मैं आपको बता दूं वो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, उनको जो बुमराह को कह रहे थे खत्म हो गया, बुमराह इज फिनिश, तो बुमराह आपको हर रोज दिखा रहा है। अगर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, चार पांच मैच जो आप पिछले जीते हुए, तो फिर यही मैच विनर होता है ना भाईजान, और क्या होता है शायद अफरीदी भैया, और या कुछ और भी होता है भाईजान हटके। यार देखे कल किसी ने कहा था अफरीदी के बाद, देखे भाई मैं शायद अफरीदी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, स्टैट्स रिकॉर्ड्स, मैं हालांकि स्टैट्स मानता नहीं हूं, लेकिन जिसने 400 मैच खेले हो वो बंदा बाबर आजम को बता रहा है कि भाईजान आपने क्या करना है और कैसे करना है, माजरत है बाबर आजम, मैं बार बार कह रहा हूं रिजवान, मैं उसकी T20 पे उसके उस पे खिलाफ होता हूं, मैं उसकी टैक्टिक्स पे खिलाफ होता हूं, उसके स्लोस पे, और पिचेस अगर हल्की बनाएगा तो ऑब्वियसली वो कप्तान है, मैं तो बोलूंगा, लेकिन मैंने बार बार इस सीरीज से पहले और सीरीज के दौरान भी कहा था, हमारा नंबर वन बैट्समैन, नंबर वन प्लेयर बाबर है, नॉट रिजवान, नॉट रिजवान, नॉट रिजवान। तो भाईजान वो आज उसने आपको दिखा दिया, दो बड़ी सौ मारी है, आज नट आउट रहा है, एक में जरा बच गया वरना उसमें भी आ जाता उसका। हाँ जी, ओवरऑल पाकिस्तान, इमाम बहुत अच्छा खेला, इमाम भी देखिए वही तो मैं चाह रहा था कि कोई 15-20 रन और वो करते ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इसका भी आता सो, और बहुत ही अच्छा खेला इस पूरी सीरीज में, वेल कैलकुलेटेड एंड कंपोज्ड इनिंग्स, पहले में जाहिर है कि लूजिंग कॉज में आया सो, लेकिन बाद में बेहतरी हुई है दूसरे मैच में, तीसरे मैच में, और जब हल्की टीम के खिलाफ आप खेलेंगे तो इसी तरह ही खेलना चाहिए, आपकी मोर और लेस फुल स्ट्रेंथ टीम है, सो यू नीड टू डू वेल। इंग्लैंड में कुताही हुई आपसे, तीनों मैच आप हारे, एक में आप 325-330 करके भी नहीं डिफेंड कर पाए, बाकी यहाँ पे जिस तरह पहला मैच हारे थे, काफी पाकिस्तानी फैंस जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थे, अफसुर्दा थे, ये क्या सिलसिला हो रहा है भाई, अब क्या पाकिस्तान की टीम मतलब इतनी बुरी हो गई है कि अपने घर में भी बी या सी टीम से हारा करेगी। बहुत अच्छा हुआ कि रिकवरी हुई है और मैचेस जीते हैं, और दोनों मैच जीत के बाद सीरीज भी अपने नाम किया है, इनको चाहिए जो सिंगल वन T20 मैच है, they should also dominate it. Ankit Patel Karanji sir, I told before and still I feel Pakistan and India team depend on the top three. If they fail, team lost not you sir. Now Babar like Virat but both fail when the big match. Ankit Patel किसी देखिए आप मौसम में जवाब देंगे आपका देखिए more or less जितनी भी टीम है top three का में से किसी एक का perform करना बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कल डबल हेडर्स थे, 23 रनों जैसी शानदार जीत देखी राजस्थान रॉयल्स की, और दूसरे मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली में शानदार मुकाबला देखने को मिला, दिल्ली अंत तक बनी हुई थी और हार्दिक पांड्या की तरफ से कप्तानी भी शानदार देखने को मिली, 4 के 4 पूरे ओवर
उन्होंने करवाए। एज ए बॉलर भी हमने उन्हें बहुत ही अच्छी फॉर्म में देखा। चारों ओवर करवाते हुए उन्होंने सबसे कम रन देते हुए एक विकेट भी झटकी और क्रूशियल मोमेंट्स में भी उन्होंने ओवर करवाए। आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी एज ए कैप्टन एज ए बॉलर जरूर बताइएगा। और आज के IPL मुकाबले CSK वर्सेस पंजाब पर बात करेंगे वेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, संडे मनाएं, खुशियां मनाएं, एंजॉय करें IPL। और IPL पर किस तरह से वीडियोस बनाए जा सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था, कम्युनिटी में मैंने उसका लिंक शेयर किया था, देख लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल YT Insight पर। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त, जय हिंद।